रीवा जिले में आए दिन हो रही मारपीट की घटनाएं और चाकूबाजी से भय का वातावरण बना हुआ है। बात बात पर चाकू अड़ा देना जिले में साधारण सी बात हो गई है। बीती रात्रि चौराहटा थाना क्षेत्र के गांधी चौक में एक युवक के ऊपर तीन बदमाशों ने चाकू अड़ा दिया, जिसे लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तीन चाकूबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ 25B(Arms) Act की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी आदित्य सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ले में मंसूर मंसूरी नाम का युवक धारदार चाकू लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। थाना प्रभारी ने टीम लगाकर आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आरोपी पकड़ा गया, जिससे धारदार चाकू बरामद हुआ है। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने पुष्पराज नगर से शिवदत्त लोनिया को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी अपने मोहल्ले में ही धारदार चाकू लेकर दहशत फैला रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को दी थी, जिनके द्वारा सहायक उप निरीक्षक नीरज सिंह के नेतृत्व में टीमें भेजकर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी कबाड़ी मोहल्ले का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले भी कई अपराध दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस ने फैज अंसारी नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जो फोर्ड रोड का रहने वाला है। आरोपी से धारदार चाकू बरामद हुआ है। आरोपी निपनिया मोहल्ले में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में चाकू के साथ घूम रहा था। आरोपी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अवैध औजार रखना युवाओं का शौक बनता जा रहा है, और बात बात में जहां चाकू की नोक पर लूट की जाती है, वहीं बेखौफ बदमाश धारदार औजारों से हमला भी कर रहे हैं। पहले ट्रीटमेंट गाड़ी कहाँ पहुँची ये पूछो। ये लगा बा, ए लगा बा, लालू का लालू का लगा जल्दी आ रहा है। पहुँचा था ये लेके आ रहा है। दान ना दे, दबाए रहा है कुछ कपड़ा नहीं। आपका नंबर दे दीजिए। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।